करना पड़ता होगा, क्योंकि देखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही यूज नहीं होता, इसके कई तरह के यूज होते हैं। हमने पहले भी वीडियो में इसके बारे में समझी, अगर जो आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हम समझते हैं इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट और कुछ नए कॉन्सेप्ट, ताकि आपको हाय गाइस वेलकम बैक। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते होंगे या लिखते होंगे तो वहां पे आपको पीपल का यूज जरूर करना पड़ता होगा, क्योंकि देखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही यूज नहीं होता पीपल का यूज, इसके कई तरह के यूज होते हैं। हमने पहले भी वीडियो में काफी चीजें इसके बारे में समझी थी, अगर जो आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हम समझते हैं इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट और कुछ नए कॉन्सेप्ट, ताकि आपको बेहतर तरीके से इसका यूज समझ में आए, और अगर कहीं भी इसका यूज मिलता है तो वहां पे आप लोग समझ सकें और यूज आप भी कर सकें, कहीं भी कोई भी बोलता है तो समझ सके। आप समझते हैं इसका यूज, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं पीपल का यूज, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग एक बार मार्किंग करिए राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है, फिर हम समझते हैं इसे कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द पीपल्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेरी लेबोरियस। नेक्स्ट लिखा है मैनी डिफरेंट पीपल्स इज लिव इन बिहार, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मैनी डिफरेंट पीपल्स, यहाँ पे पीपल्स होगा, ठीक, पीपल्स आर लिव इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस सेम ही हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंट है जहाँ पे वर्ब का डिफरेंट है, ठीक है। अब समझते हैं, तो आपके हिसाब से जो भी हो उसमें आप लोग मार्किंग जरूर कीजिए। हाँ, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लेबोरियस, जब भी हम लोग पीपल का यूज करते हैं लोगों के रूप में, मतलब लोग के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, तो वहां पे हम लोग एस का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है इसमें द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी लेबोरियस, तो यहां पे देखा जाए हमने इज का यूज किया है। लेकिन जब हम लोग पीपल का यूज व्यक्ति के रूप में करेंगे, किसी लोगों के रूप में, मीनिंग ऑफ मतलब पीपल के रूप में जब करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम वहां पे ये जो पीपल का मतलब होता है ये हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। इसलिए हमको इसके हिसाब से ही वर्ब को चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। इसके लिए हमारा ये जो इज का यूज किया गया है, सिंगुलर का यूज, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके कारण हमारा ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, बल्कि हमारा ये प्लूरल है तो हमें यहाँ भी प्लूरल लगाना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेरी लेबोरियस, मतलब उत्तर प्रदेश के पीपल जो हैं, लोग हैं, क्या है, बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए द पीपल, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे फिर हमने आर का यूज किया है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पीपल जो प्लूरल का मानते हैं, जब हम लोग पीपल का यूज लोगों के रूप में करते हैं तो वहां पे हमारा प्लूरल होता है, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा है द पीपल्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेरी लेबोरियस, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमको यहाँ पे एस नहीं लगा सकते हैं, पीपल्स नहीं, यानी पीपल के साथ में एस नहीं लगा सकते हैं, जब हम लोग लोगों के रूप में, मीनिंग ऑफ पीपल के रूप में करेंगे, मतलब लोगों के रूप में करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पीपल के साथ में एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए ये सेंटेंस जो हमारा थर्ड वाला होगा ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं मैनी डिफरेंट पीपल्स इज लिव इन बिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है मैनी डिफरेंट पीपल्स आर लिव इन बिहार, सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि हमको देखा जाए तो हमने वर्ब में डिफरेंट किया है। अब समझते हैं, देखा जाए तो इसमें इज लगा है और इसमें आर लगा है, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले हम समझें पीपल का यूज जब हम लोग किसी व्यक्ति या राष्ट्र के रूप में करते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखा जाए तो पीपल के साथ में हमें एस लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए देखा जाए यहाँ पे लिखा है मैनी डिफरेंट पीपल्स, यानी मैनी डिफरेंट माने बहुत सारे डिफरेंट जातियां लिव इन बिहार, मतलब बिहार में रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो मैनी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, मतलब यहाँ जातियों के रूप में हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र या जाति के रूप में जब हम लोग करते हैं,
ठीक है। तो वहां पे बताते हैं जब हम लोग कास्ट या किसी कंट्री के रूप में जब करते हैं, राष्ट्र के रूप में करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो मतलब सेंस होगा पीपल का, तो उसके साथ में पीपल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको वहां पे जातियां बताना है, ठीक है। इसका मीनिंग मतलब जातियों के लिए रूप में भी होता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए हमको प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे हमने इज का यूज किया है। इसलिए जो लास्ट वाला सेंटेंस है फिफ्थ नंबर का, ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि हमारा जो मैनी जातियां, मैनी पीपल्स मतलब मैनी कई जातियां लिव इन बिहार, बिहार में रहती हैं, तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आई होप को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए अगर वो ऐसे कॉन्सेप्ट समझने के में इंटरेस्टेड है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।